Today is Monday and on Monday we do our reading worksheet. So we are going to do our reading worksheet 3. That day we have done sentence reading, 5 sentence reading. Now we are going to do the next sentence reading. In the mall, he saw a ball. Means mall तो आपको पता ही है, you know mall. Yes, you go with your family, friends and relative. When they come to your home, you go ना in vacation, mall में जाते हो घूमने, तो you then that time you enjoy these games in a games parlor. So you see many colorful balls. Yes, this way we have framed one simple sentence. In the mall he saw a ball. मतलब के जो मॉल के अंदर है ना, मॉल के अंदर उसने क्या देखा, what he saw. Saw मतलब देखना, he saw ball. Okay, what he saw, ball. Next sentence, that globe is made of glass. Globe आपको पता है? Yes, आपने देखा होगा पापा के ऑफिस में या स्कूल में, बहुत से जगह पे या म्यूजियम वगैरह में ग्लोब पड़ा होता है, इंडिया का जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सीज, नेबरिंग कंट्रीज, ओशंस और डिफरेंट कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड, ये पूरे ग्लोब पे होती है. बट व्हाट दिस सेंटेंस इज सेइंग, दैट ग्लोब, ग्लोब इज दिस शेप ओनली, ओके, इज मेड ऑफ ग्लास. ये जो ग्लोब है ना, किससे बना है, कांच से बना है, ग्लास से. कोई ग्लोब तो प्लास्टिक से भी बनते हैं. यस, सो दिस ग्लोब इज मेड ऑफ ग्लास. कैन यू सी दिस ट्रांसपेरेंट टाइप ग्लास? यस, इट्स मेड अप ऑफ ग्लास. ये किससे बना है ग्लोब? कांच से. तो द सेंटेंस इज दैट ग्लोब इज मेड ऑफ ग्लास. नाउ चिल्ड्रंस, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन is question and, so next line is question and answer. Okay student, see first question is, how many dolls are there in the box? Matlab this question is asking you ke कितनी सारी डॉल्स थी, हाउ मैनी, वो बॉक्स के अंदर कितनी सारी डॉल थी. तो फिर आपको मम्मी पापा को पूछोगे, मम्मा ये बॉक्स में कितनी डॉल थी, पापा को पूछोगे, आपकी सिस्टर को पूछोगे, तो फिर आपकी सिस्टर बोलेगी या कोई भी आपको रिप्लाई देगा तो कैसे बताएगा, देयर आर 5 डॉल्स इन द बॉक्स. बॉक्स के अंदर कितनी डॉल है, कम ऑन हम लोग भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5. यस, देयर आर 5 डॉल्स इन अ बॉक्स. हाउ मैनी मतलब हम लोग काउंट कर सकते, हाउ मच को हम लोग काउंट नहीं कर सकते. तो हाउ मैनी डॉल्स आर देयर इन द बॉक्स, फिर वो रिप्लाई आएंगे, There are 5 dolls in the box. कितनी dolls? वो पूछ रही है कितनी dolls है box में, फिर वो बोल रही है उसमें 5 dolls हैं box में. Okay, this is the first question answer. Second one, what is the name of that boy? What is the name? वो पूछ रही है क्या नाम है वो लड़के का, but you can see this, his hand is pointing. What is the name of that boy? That आपको पहले भी समझाया, these और that में, these मतलब जो चीज़ें हमारे पास में होती है, that मतलब जो चीज़ हम point करते हैं वो थोड़े distance पे होती है, दूर. आपने अभी exam में लिखा था ना these and that arrows के साथ. Yes, so this way can you see this boy hand,
he is pointing or showing you. So the answer is the name of that boy is Roy. So this way the sentence is framed. What is the name of, क्या है वो लड़के का नाम? Then he said, उस लड़के का नाम Roy है. So what is the name of that boy that is pointing? The name of that boy is Roy. Okay, now last one, third. Who is in the jet? First understand the question. In the jet मतलब jet के अंदर, jet के अंदर. In the jet, in मतलब अंदर, on होता तो ये jet के ऊपर होते, ठीक है? तो बन ये jet के अंदर है. Who is in the jet? In मतलब jet के अंदर कौन है? Two men are in the jet. दो आदमी है. We will count one and two. So it's written two men are in the jet. In मतलब इनसाइड, ओके. ऑन मतलब अगर पूछते हो हु इज ऑन द जेट, ऑन मतलब ऊपर. सो इन मतलब इनसाइड, इन दे वो लोग जेट के अंदर है, ओके. सो दिस वे आई हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन एंड आंसर एंड टू सेंटेंस रीडिंग. सो प्लीज सिट विथ योर मॉम एंड रिवाइज दिस रीडिंग वर्कशीट. बाय स्टूडेंट, थैंक यू.